रैंगाना आप लोगों को भविष्य पुराण से ऋषि पंचमी व्रत कथा बा चार लाइन गाने का भूमिका बा कि पूर्ण पावन पयोधर विमल ऊर छल के परम ब्रह्म में मन अगर राम जाए रमा राम में कोई बैराग करके अलख साधना में ही जोग रमाए तो वित्तमासी बना कोई मकरंद जीता जोग से भोग में कोई आसन रमाए रजो धर्म का जो उल्लंघन किया कर्म अनुसार ही पाप सम्मुख सताए एट गजल बा गाना के पहले ये दर कि हाथ में मेहदी हाथ में मेहदी मांग से नूर बर्बाद कजरवा हो गई ना हो बर्बाद कजरवा कजरवा हो गईला अरे बारे बलम बिना निधियो न आवे उलझन मा सबेरावा हो गईला हो उलझन मा सबेरावा यही भाव में गनवा के अंदर के लाइन कवि धलन कि जो भक्ति सुधारसी जो भक्ति सुधारस पान किया अनमोल खजनवा पा जाला हो अनमोल खजनवा तो जो भक्ति सुधारस पान किया अनमोल खजनवा पा जाला अरे अधर्म की राह चले जो अगर ऊ पाप निसनवा पा जाना हो ऊ पाप निसनवा पा जाना हो पाप निसनवा पा जाना हो पाप निसनवा पा जाना लिंग सर लगल मास्टर सुमंत ब्राह्मण विदर्भ देश का रहने वाला सुमंत ब्राह्मण विदर्भ देश का रहने वाला किसानी करता था कुटुंब का बन रखवाला बाबा तो लुगाई जय श्री पावन विचार वाली थी लुगाई जय श्री पावन विचार वाली थी पति की सेवा में ही अपने को ढाली थी बाबा बाबा तो रजो धर्म का रजो धर्म का बरताना विचरती थी अशुद्ध तन से खाना बनाया करती थी तो ब्राह्मणी को
पाप लगा, पति भी छूटा नहीं दोस्त का ही पाप लगा। बाबा बाबा तो साथ दोनों का रहा, साथ दोनों का रहा, गर्भ का संचार हुआ, अगले जन्म में इस पाप का शिकार हुआ। बाबा भैया बतिया के समझला, ई कहानी विदर्भ देश के रहे वाला एक ब्राह्मण रहलन, जेकर नाम रहल सुमंत। सुमंत किसानी कह के अपन परिवार जिलावत रहलन, लुगाई उनका जयश्री नाम औरत का रहल, औरत भी बहुत पवित्र मार्ग पर चले वाली रहल, लेकिन एक काम गलत कैलस की रजो धर्म औरतन के गुण बहुत मने मुख्य मानल जला, एकर बर्ताव ना करे, सुधतन से हमेशा खाना बनावे परिवार की खिला दे। यही रजो धर्म के दोष अगले जन्म में मिलल का, यह जन्म का हाल आप लोगों के मिलत बा, लेकिन अगले जन्म का भी हाल यही गाना के अंदर मिली। लेकिन गर्भवती रहल, बच्चा पैदा भैल बा, अजोने समय बच्चा पैदा भैल, उस समय अपनी पद से खुशी के साथ बुला के कहत का बा एक लाइन गीत बा मास्टर। उहे बा कि अब की छोड़ी के जाइबा हम के जो, अरे बहर वाए बलमुगी, अरे बहर वाए बलमुगी, अरे हमारा के पेठादा नहीं हर वाए बलमुगी, हमारा के पेठादा नहीं हर वाए बलमुगी, हमारा के पेठादा नहीं हर वाए बलमुगी। यही भाव में गनवा के अंदर कलाइन कवि दहलन, औरतिया अपने पति सुमंत जी से कहत का बा कि हमके हर जिद्याल गोदी में रतनवाए बलम जी, अरे रतनवाए बलम जी, अरे बुढ़ौती का हुई है ठेकनवा ए बलम जी, अरे बुढ़ौती का हुई है है। लेकिन भैल का कुछ समय बीतल तो भैल का, अरे धीरे धीरे सुमाती गया ला जावनाई, धीरे धीरे सुमाती गया ला जावनाई, धीरे धीरे सुमाती गया ला जावनाई, वती बहुआई भाई, भाई सगाई चंदा वती बहुआई, भाई सगाई चंदा वती बहुआई, आर चादर उतर गई लयाई के, चादर उतर गई लयाई के अंगनवा ए बलम जी, अरे बुढ़ौती का हुई है ठेकनवा ए बलम जी, अरे बुढ़ौती का हुई है, अरे बुढ़ौती का हुई है ठेकनवा ए बलम, अरे बुढ़ौती का हुई है ठेकनवा ए बलम। भैया ये बतिया पति जी से कह लगल कि हमारे और आपके बीच हम लोगों का संकट दूर करे बदे ई बुढ़ौती का पालनहार भगवान हम लोगों के भेज दहलन। लेकिन भैर का एक लाइन गीत मास्टर लगल, उहे बजा दे तनी। उहे तर्जबा कि कह तू ते गोरी, अरे कह तू ते गोरी, अरे तुहरी गली ऐसी जैसी कह
अरे कही के बोलावती हल्लो हल्लो ये छमक छल्लो कही के यही भाव में गाना के अंदर के लाइन बा का कि पाय परिवार करे लागल किसानी ब्राह्मण पाय परिवार करे लागल किसानी ब्राह्मण पाय परिवार करे लागल किसानी ब्राह्मण अरे रात दिन करे ला कमाई हो लुगाई लेके 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 ये घर का अरे मनवा मनवा अघला ना दुखला नया नामा अरे तवले बुढ़ौती नियर आई हो लुगाई लेके तवले बुढ़ौती नियर आई हो लुगाई लेके तवले बुढ़ौती नियर आई हो लुगाई लेके रात दिन करे ला कमाई हो लुगाई लेके रात दिन करे ला कमाई हो लुगाई लेके भैया भैल का आखिरी पन बुढ़ौती आ गल लेकिन जब बेटवा और बहू के पोले बा उस समय तन मन धन से हमेशा मारे खुशी के माले अपन समय खेतवे बारे में बिता दे लेकिन भैल का अचानक एक लाइन तर्ज बा मास्टर वे बा कि कजरा लगा के अरे कजरा लगा के धोखा कैलू हो भूलैलू काहे पजरा भूला के कजरा लगा के धोखा कैलू हो भूलैलू काहे गाना के अंदर का कवि भाव लिखलन बाबूजी अचानक की दुनिया छोड़ के चल देलन लड़कवा कहे लगल कि बाबूजी आखिर हमर लोगन के मझधार में छोड़ के तू चल देला कहलत का कि बाबूजी करामा कवन कैला हो बाबूजी करामा कवन कैला हो भूलैला काहे नहीं आ छोड़ा के अरे बाबूजी करामा कवन कैला हो भूलैला काहे नहीं आ छोड़ा के बाबूजी करामा कवन कैला हो भूलैला काहे बाबूजी करामा कवन कैला छोड़ा के
पराई बाबूजी कदम माई छोड़ी के पराई बाबूजी कदम माई छोड़ी के पराई आप रोली बहू बिल खाई हो रोली बहू बिल खाई हो भुलाई गैला नहीं आ छोड़ा के भैया बाबूजी तो चल दहलन ई संसार छोड़ के दुनिया लेकिन महतारी भी वही गम में अपन जान गवा दहलस दोनों स्वर्गवासी हो गयलन आ जब स्वर्गवासी भैलन तो जमराज के पास पहुंचल बाटे तेरी भाव में मिली आरे राम कमैया कुल बतावा सगरी तब ऊपर लगी अदालत पेश किया जमदावा बतावा सगरिया जमदावा कमैया कुल बतावा हाँ ऊपर लगी अदालत पेश किया जमदावा कमैया कुल बतावा जमराज पूछे लगलन की बतावा मृत्यु लोक से इला है कौन कर्म कैके इला है कौन अगर अच्छा कर्म कैले उखाओ के बतावा वही के अनुसार तुहके फिर मृत्यु लोक में शरण मिली लेकिन कहलन क्या कहलन कि जब तक मने बहू और बेटवा घर के अंदर अलन तब तक तो हम घर छोड़ के चल दहलिन उन्हन लोगन के कोनो सेवा सत्कार हमसे हो ना पोलस आपसे हमार निवेदन है कि एक बार फिर मृत्यु लोक में भेज दा आ मनुष्य का तन बना के भेज दा जमराज कहलन कि मनुष्य का तन ना पैबा बहुत परिश्रम बहुत मेहनत के बाद बहुत भक्ति कहने के बाद एक बार मनुष्य का तन मिलेला दोबारा कह के मिलल ना दिन भैल का है भैया चौक बा शहर बा मास्टर शहर बा तो ब्राह्मण कर को जोर कहा ब्राह्मण कर को जोर कहा एक बात हमारी सुन लीजिए बेटा बहुवर की सेवा का एक बार हमें मौका दीजिए लेकिन जमराज कहलन का कि बाप नहीं तुम बन सकते तब बैल बनाकर भेज दिया भरमो जाकर माया नगरी जमराज नहीं परहेज किया कहलस की कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस करनी तो दस फल चाखा कर्म के अनुसार ही तुमको फल मिलेगा तुम जाओ उसी घर भेज रहा हूँ लेकिन बैल बनाकर भेज रहा हूँ जाकर अपने बेटवा और बहू का सेवा कर लो हाँ लेकिन भैया भैल का एक लाइन गीत लग गया मास्टर कि काहे बाटू इतना इतिराई ले सुगिया अरे काहे बाटू इतना इतिराई ले सुगिया गवने का दीन नियराई ले सुगिया गवने का दीन नियराई ले कैसे निकला लोगों ने सुना थोबा कहा थोबा कि बहुत नई तर्जबा जवने के बड़े झकझोर के समय कहो थो का कि छोड़ी देता निरहु पढ़ाई बचवा छोड़ी देता निरहु पढ़ाई बचवा अलेता दुगो बकरी दिया बचवा बकरी जी आई है बचवा ये बकरी
जौने समय ब्राह्मणी पहुंचल बा पेश कैलन जमराज की आपन कर्तव्य कुछ बतावा का कह के इलू, लेकिन सबकर कर्तव्य का उल्लेख हुआ पहले से भर रहेला। ब्राह्मणी से कहलन, ब्राह्मणियों आपन सवाल पेश कैलस की हमहू को ही जाए के बा, हमहू से कौन सेवा ना हो पोले बा। जमराज कहलन की ठीक बा, तुहू के जब वही सेवा कर जाए के बा, तो सुना यही के अंदर ब्राह्मणी मांग का कैलस की सेवा बा हमरो अधूरी ये विधना, सेवा बा हमरो जायल बा हमरो जरूरी ए बिधना, जायल बा हमरो जरूरी ए बिधना, जायल बा हमरो जरूरी ए बिधना, जायल बा हमरो जायल ठीक जरूरी जाल बात हो तो सुना। अरे ब्राह्मणी को भेज दिए कुतिया बनाई, ब्राह्मणी को भेज दिए कुतिया बनाई, ब्राह्मणी को भेज दिए कुतिया बनाई, आ सुत का जतन करिया दिलावा लगाई, जायल बा हमरो जरूरी ए बिधना, जायल बा हमरो भैया बा जरूरी ए बिधना, जायल बा हमरो जरूरी ए आ, जायल बा हमरो जरूरी ए आ, जायल बा हमरो जरूरी ए बिधना, जायल बा हमरो जरूरी ए बिधना, जायल बा हमरो जरूरी ए बिधना। लेकिन भैया वो दोनों प्राणी वही बेटवा बहू के घरे आके जन्म लेलन, बाप तो बैल बन के भरे लगल, लेकिन महतारी कुतिया बन के द्वारी पर रखवाल बन गई। लेकिन भैल का भैया वे कि बंद के वारी कह के देले गारी मारी मूसर से, आज दिल कह अपने गुस्सा रही उतारी मारी मूसर से। भैया ऐसा काम करे कि कमरिया मार के कुतिया का तोड़ धलस। आ रोजिन्ना बहू का नियम रहे कि बैला के रोजिन्ना कौरा खिलावे जा, अब बैला बेटौआ के बगलिया में खटिया मैंने खटिया बिछा के बेटौआ बैला के बगलिया में सुते। आ एक रोज जौने दिन कमरिया टूटल दिन बैला इंतजार करत रह गल, आ जब कमर घिसरावत पहुंचने तो पूछे लगल कि आखिरकार ई दशा का है भाई। कहलन कि बहुत दूध धर के गए दूधवा के शाम ठल्ले रहल बचवा के बचावा बदे दूधवा के हम गिरा दे आला भावा कि आधा रमक धो जा झुकी जाला दुनिया में भैया, जब पूरा पता पोले वाला लड़का तो कैलस का तस्मत सुन के बात बिचारे बाटे माता पिता हमारे चिंता में डूबल शरीरिया सोचेला मना, गुरु गणेश गुरु राम लाल ब्र
व्रत पूजा पाठ निभाया। अरे सात बरस व्रत पूजा करके पितरों से मुक्ति पाया हो। अरे कमैया कुल बतावा सगरी, कैलस पुनवा सिर तू धर्म के निभावा। कमैया कुल बतावा सगर, मैक्स कंपनी के सौजन्य से विष्णु दादा के रेख देख में आप लोगों के बीच में जा रही है। मुझे आशा ही नहीं, पूरे विश्वास और सहयोग में हमारे बड़े भैया श्याम कुंवर जी भी हैं, हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर पसंद करेंगे, और साथ में गुलाब भैया भी हैं। लेकिन देखें भूमिका में कहना बा कैसे ला। साधना से सफलता को मंजिल मिली, साधना है अमर साधना है अखंडित, सर्व सिद्धि मिले साधना की तहदी, साधना ही बनाती है विद्वान पंडित, कोई गागर में सागर को समवा दिया, साधना कीर्तिकारी कला है प्रचंडित, साधना को सधाना सहज है नहीं, साधना कर प्रकृति के नियमों को दंडित, अच्छा बाबूजी हम बताइला कि साधना से बढ़ के ये दुनिया में दूसर कोई कर्म ना बा। अगर इंसान सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना याचना करेगा तो उसे सफलता की मंजिल जरूर मिलेगी। कवि की लेखनी इशारा करती है क्या एक गजल के अंदाज लगन मास्टर कैसे। तू है जिदबा कि दर बदर दिल से मुझको, दर बदर दिल से मुझको दगा दे गली, दर बदर दिल से मुझको दे गई, हो प्यार माला तो गर्दन, हो प्यार माला तो गर्दन उड़ा दे गई, प्यार माला तो गर्दन लेकिन गाना के अंदर कहना बाका साधकों की सफलता हमारी कर गई, साधकों की सफलता कुदरत भयंकर, हो कीर्ति कुदरत भयंकर संभल कर गली, कीर्ति कुदरत भयंकर संभल कर गली,
शुरुआत हो गई भैया, कैसे शहर में कहना बा। सुखमल परम ईश्वर के पुजारी, साधक की प्रेमा थी सती पति व्रता नारे। खुशहाल थे दोनों, चाहे रन में हो या वन में, पर गोद पली खाली चाहत बनी थी मन में। घर से चल प्रेमा, तो काली में नहाती, फिर बैठ कदम पास खास रोज छहाती। भाव से दाती थी नित्य घर में। अच्छा बाबूजी, कहानी पर जरा गौर करेंगे। द्वापर युग की बात है। गोकुला के निवासी सुखमल यादव पत्नी का नाम प्रेमा बतावल गया। ऊपर वाला सब कुछ देहले हो भैया, लेकिन बतावल जाला इंसान के पास धन दौलत कोठी अटारी सब कुछ बा, अगर एक औलाद नहीं बा तो ओकर नाम बाज कहल जाला। यह दुख रहल सुखमल के, औलाद के चलते दुनिया का बहुत ठोकर खेलन। आज लाचार होकर के मात्र परमात्मा की शरण लेते हैं, जो हमारे जिंदगी में लिखा है वही होगा। देखें प्रेमा जो है लाचार होकर के मात्र परमात्मा की सहारा लेती है कि वही हैं, जो चाहेंगे वही करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देखें बाहरे प्रेमा भक्ति भजन करते कुछ दिन बीता, आज देखें भगवान होकर वाली सुन लहलन। यहाँ तक भैया की प्रमाण ही मिलल कि आज प्रेमा के गोद भर गई। कितना खुश बा प्रेमा ये भैया। लेकिन देखा लिखे के पड़ल कवि जी के कहना बा, एक गीत लगल मास्टर उहे कि गाजा भर का गुजारिया गाजा बका रहा। अरे जबली अरा बलाई बताब कर, कि गाजा भर का गुजारिया गाजा बका रहा। गनवा में कितनी बढ़िया लाइन कवि जी लिखलन का, कि पाके प्यार का पहुरावा प्यार भाईली। अरे छाई दिलावा में खुशी, अरे छाई दिलावा में खुशी, अब बेकाल भाईली, अरे बेकाल भाईली हो, पाके प्यार का पहुरावा भाई।
बात कवि जी लिखलन, जिस समय औरत के पेट में बच्चा होता है मेरे साथी, उस समय का भाव है क्या कि अरे चीता फार ला 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 वे प्रेमा के वकाई, आ दिन दिन ताबिया तजाल गढ़वाई। छाली दिलावा में खुशी लावा बेताल भाली, प्रेमा को खुशी का ठिकाना नहीं है। समय गुजरता गया मेरे साथी, लेकिन देखें अचानक प्रेमा के जिंदगी में एक भूचाल आ जाता है। हुआ क्या मेरे साथी, देखें एक गीत लगल मास्टर, कवन गीत बा उहे गीत बा जहिया से देखली धनिया, अरे तुहरी सुरतिया मातिया मार गई मतिया मार गई ना, हो करवट फेर के दी ताई हमारा तिया मतिया मार गई हो। जिंदगी में एक भूचाल लाता है, वो क्या है कि अरे प्रेमा बीमार पड़ी पीड़ित बतानावा भक्ति में लागल मानावा, कदी में छूटी गई ना, खोया कदी में छूटी गई ना, साधना साधनावा भक्ति में लागल मानवा, ये कदी मेरे बाबूजी। एक दिन अचानक प्रेमा बीमार पड़ जाती है और उसी हालात में घर से निकल जाती है, जमुना में जाकर के स्नान कर लेती है, करने के बाद कदम के नीचे बैठ करके भगवान का नाम ले रही है, लेकिन अचानक देखें उसका उसी जगह प्राणांत हो जाता है। इस दुनिया को छोड़कर प्रेमा चली जाती है, लेकिन देखें ये बात को जब सुखमल को ये खबर मिली है, दौड़ के अलन है आज अपने पत्नी के गोद में लेके रोवत हुवन। गीत लगे मास्टर कैसे, उहे दिन बा कि अरे गोरी डाली पीलावा के देश, अरे गोरी डाली पीलावा के देश रोव मान मीतवा, गोरी डाली पीलावा के देश रोव मान मीतवा, गोरी डाली पीलावा के देश रोव मान मीतवा। लेकिन देखें
सुखमल अपनी पत्नी को गोद में लेकर रो रहे हैं। कैसे? अरे सुखमल रावला सुधार, सुखमल रावला सुधार, कहाँ गई लुरानिया। सजल रहा सजल कन्हार, कहवा गई नूरानिया। मेरे बाबूजी गांवपुर वाले समझाते हैं, कह रहे सुखमल प्रेमा के पेट में तो बच्चा है, क्या पता है बच्चा पेट में उसके जिंदा हो। एक काम करो, इसे जलाओ मत, इसी जगह कब्र खुदवा करके इसका दफन कर दो। आंख में आंसू लेकर के आज सुखमल उसी जगह पे कदम के नीचे कब्र खोदने का काम शुरू करते हैं। लेकिन देखें कहना बा गीत लग गई मास्टर, फिर गोरी तोरी मुस्की जवनिया रे। गोरी तोरे मुस्की जावनिया रे यार बलिया हिलावे, गोरी तोरे मुस्के जावनिया। लेकिन गनवा का बात सुने सुखमल कैलन का, अरे कैलन का दम तरदा फनिया हो नीरा नैन से बहावे, उसी कदम के नीचे अपनी पत्नी को दफना करके सुखमल आंख में आंसू लेकर के घर की तरफ चलते हैं। लेकिन देखा मेरे बाबूजी उस कब्र से एक बात मिललका, अरे प्रेमा का लाल प्रसव का लबेला, अरे कब्र में जलम ये कलिघल गादेला, कटमाली खानिया हो विधि कभी कटमाली खानिया हो नील नैन से बहावे, बारह ऊपर वाले की मर्जी। आज उस मृतक शरीर के से एक बालक का जन्म होता है, ये ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन देखें बाहरे तेरी महिमा ऊपर वाले, तेरी की लेखनी अमर है, तेरी लेखनी को कोई टाल नहीं सकता है। हुआ का देखें कि अरे माता का स्तन बाहे दूधा धारावा, आ गईली शिव संग भावनिया हो नीर नैन से बहावे, बहा।
देखें बाबूजी, संयोग की बात, एक दिन शंकर भगवान और साथ में पार्वती जी उसी रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन अचानक वही समय जवन बा लड़िकवा रो दे बा। जब रोले बा देखा टेरी में कहना बा भैया कैसे, ठीक है हाँ ठीक है, टेरी कैसे लाल अरे कबर में कैसन सोवे कामिनी अरे मुरी हो राम अरे कबर में कैसन सोवे कामिनी अरे मुर्दा गड़ल तमें सैया जन्म तुआ रोवै अर हो रोवै अर हो रोवै अर हो जन्मतुआ रोवे कबर में कैसन सोवे कामिनी। ये भैया लड़िकवा जब रोले बा ये आवाज पार्वती जी के कान में पड़ल, कहलिन कि ये सैया जी तने सुनबा सुनबा एर तक एक ठे लड़िका के आवाज सुनाई देत बा। शंकर भगवान कहला तू मेहरारू बजा हर जगह टांग अड़ावेलू चला हमनी के का लेवे के, लेकिन बा पार्वती जी बहिया पकड़ लेली, कहली ना स्वामी चला देखल जाए लड़िका रोले बा कहां से आवाज आवत बा। बाह पकड़ के लेके चलनी हो कब्र की तरफ, कहना बा कि अरे लाजह कर शिव से सयला कि अरे लाजह कर शिव से सयला बालक को बाहर करवाई जब हो नहार बालक बा स्वामी अब दाई न केई न करमाई अब लचार कई सती समूह के अब प्रेमा नव जीवन पाई अब अंतर धान शिवा शिव भैला अंतर धान शिवा शिव भैला पति के घर प्रेमा लाई अरे पति के घर प्रेमा लाई जब लड़िकवा के पार्वती जी देखली कहली अरे सैया अगर एके छोड़ के ऐसे ही चल देवा लड़िकवा यही मर जाई एकर मतारी तो मर गई बा। कहां से के दूध मिली सैया एके तो के जी आवे के पड़ी, लाचार हो गए शंकर भगवान दिव्य शक्ति से देखलन है आखिर प्रेमा के नई जिंदगी मिल गई। कितना खुश बा प्रेमा, गोद में बालक को लेकर के घर की तरफ चलती है। पहपट में कहना है मेरे साथी अरे गोद में लिहल फूलवा घर लैली अरे गोद में लिहल फूलवा घर लैली अचित में अरे पाचर जहोला पूरा के मनवा सैया घर लैली बालक को लेकर के प्रेमा घर आती है, लेकिन पुनः फिर से वही तपस्या जारी है। उसी कब्र के पास जाकर के बैठ कर भगवान का स्मरण करने लगती है, लेकिन देखें इधर शंकर भगवान सोचलन कि अरे यार एक तो नई जिंदगी मिल गई, ये जगह यहाँ बैठ की केकर पूजा अर्चना करे ले आखिर केकर नाम लेते बा। कहना बा साधु के वेश में शंकर भगवान चलन है आल्हा में, कहना बा कैसे लाल किया ये त्रिपुरा किया ये त्रिपुरार वेशा विप्र का बना के भैया प्रेम रही कब्र पर दिया नवारी जालाई मुझे विप्र के करई हवा कालू पूजनिया बेटी कवन देवी देवाता का सला हवाई प्रेमा बोली भेद जानी के का तू कर बल बाप
मेरे बाबूजी साधु वेश में शंकर भगवान पूछते हैं, आ लड़की तू यहाँ पर किसकी पूजा अर्चना करती है? आज वो लड़की बताती है कि बाबा तो से का मतलब बा, ए मकसद के तू ना समझ बा, बाबा पूछल ना बेटी बतावा। आज लड़की बतावत बा कि ए जमीन से हमार तीन रिश्ता जुटल बा बाबा। बाबा पूछल ना आखिर वो कवन कवन रिश्ता बा, बतावत बा प्रेमा कि पहले जमीन से हमार सहेली का नाता जुड़ल रहल, कुछ है दिन बाद यही जगहिया पे हमार प्राणांत हो गए, वही दिन जमीनिया हमार सौतन बन गई। बाबा पूछा लगल सदर में कहना बा कि अरे कहिया सहेली का बसौट कैसे जानानी, अरे कहिया सहेली का बसौट कैसे जानानी, बोले भी प्रभेदावा बतावा फरिया, अरे प्रेमा बोली रोज रोज उठला बली थला, अरे प्रेम कसे हेली जमीनिया कहा, अरे जहिया परान हटली हल पतिनिया, कि तहिया सवत हम के लिहला बनाए, बोला तहिया सवत अंत में आखिरी लाइन में कहना बा आखिरी बात प्रेमा बतौलस का कि अरे बाप बलि के सिवा हम के जियाई गईला तना ता जननी का कबर से जोड़ाई गईला, साध्य योग बैरगवा अतब से जलाई हम कबर पेटिया गवा, अरे बात सुन के महेश असली रूपा लाली गईला। ये भैया ये तनी बतिया जब शंकर भगवान सुनलन अपने रूप में आ गेलन, आज प्रेमा दौड़ के चरण पकड़ ले लेबा, लेकिन देखें अरे प्रभु के चरण प्रेमा गिर भराय के अंतर ध्यान भैला शिवा दर्शन देखाय के, अरे वही लड़का का नाम उद्धव जी रखाई गईला, वही लड़का का नाम उद्धव जी पड़ल जेके दुनिया आज भी जाने ले। आखिरी लाइन में कहना बा कि गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मोर बाका कथन करे स्वर्ग कब चंद्रिका बच्चन का बीजा पता का हो कबर में कैसर सोब कामिनी, अरे यादव सुभाष चंद्र संगीत कला में खोवा कबर में कैसर